सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी बेनिफिशरी हैं उनका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेनिफिशरी वाली कैटेगरी को ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ अब ध्यान रखनी होगी, आप लोगों को एक्टिव रहना होगा पोषण ट्रैकर ऐप में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 20.6 का जो अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि अब लाभार्थियों के अनुसार आप लोगों को पोषाहार या टीएचआर दिया जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी लाभार्थी हैं उनको मेंटेन करके चलना है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो 8 होनी चाहिए, लैक्टेटिंग मदर 8 होनी चाहिए, 8 से ऊपर हो सकता है रख सकते हैं, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। और जैसे कि जो बच्चे हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो हैं वो 40 बच्चे होने चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिलता है उतने बच्चों को आप लोगों को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि अब जो आप लोगों को पोषाहार या टीएचआर मिलने वाला है पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार ही मिलेगा। जितने लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन रहेगा उतने लोगों का मिलेगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। चलिए हम लोग बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को उस प्रेग्नेंट वुमेन का जो नाम है वो यहाँ पे दर्ज करनी है आधार के अनुसार, तो आप लोगों को यहाँ पे वो नाम दर्ज कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे हस्बैंड नेम डाल लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड पे जो आधार नंबर है 12 डिजिट का वो आप लोगों को डाल लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले जो मैनुअल तरीका था जिस प्रकार से आप लोग टाइप करके लिख रहे थे, उस प्रकार से अब यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर कैलेंडर का जो ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुल के आएगा, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे उस लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। और जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिस भी लाभार्थी का आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन का अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस लाभार्थी का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 16 वर्ष से कम का होगा, तो आप लोग यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे अप्रैल 2008 से ही एक कैलेंडर खुल रहा है, उसके आगे आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एरो का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो इसके पीछे वाले जो भी लाभार्थियों का डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और 16 वर्ष से कम उम्र के जो भी लाभार्थी है उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पे आप लोग मोबाइल नंबर डालिएगा उस लाभार्थी का, या उस लाभार्थी के जो भी घर का मोबाइल नंबर है वो आप लोग यहां पे डालेंगे। उसके बाद यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो किस कैटेगरी से आती है, एससी एसटी और अदर्स, यहां पे तीन ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीनों में से जो भी ऑप्शन है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो लाभार्थी रिलीजियस माइनॉरिटी से आती है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको नो ही रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर उस लाभार्थी का पहला प्रेगनेंसी है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उस लाभार्थी का कोई भी बच्चा मिसकैरेज हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो पे ही सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे LMP डेट को भरेंगे, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करना होगा। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो भी उस लाभार्थी का LMP डेट होगा वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे रेसिडेंस टाइप पूछ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे परमानेंट और टेम्परेरी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर वो लाभार्थी परमानेंट यहाँ पे रह रही है तो यहाँ पे परमानेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे अभी नहीं जा पा रही है लाभार्थी, उसके लिए यहाँ से आप लोगों को जो ये बादल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो बीच में ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी लाभार्थी का आप लोग यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर उस लाभार्थी का डेटा शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी कोई ऑप्शन देखने को आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे उस लाभार्थी का डेटा शो करता है तो आप लोगों को स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस लाभार्थी का डेटा जो है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि जो लाभार्थी का नाम हमने ऐड किया है वो ऐड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी लाभार्थी का आप नाम ऐड किए हैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर उसका नाम यहाँ पे आ जाता है और जो भी यहाँ पे डेटा आप लोगों को शो हो रहा है, जैसे कि 8 ही लाभार्थी दिखा रहा है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद 9 नहीं दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो उस लाभार्थी का डेटा यहाँ पर आप लोगों का इस प्रकार से रिफ्रेश होकर यहाँ पर जो 8 है वो 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग उस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर इस प्रकार से लाभार्थी का जो डेटा है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप लोग 12 से 24 घंटे का वेट कर लीजिएगा और फिर से एक बार रिफ्रेश मारिएगा तो वो लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड हो जाएगा,
ठीक है। इस प्रकार से आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।